ये 800 सीसी की बाइक है, सुनने में तो काफ़ी कम लग रहा होगा लेकिन इसमें कम से कम 5 बुलेट की ताकत है यार। 5 350 सीसी की काफ़ी ज़्यादा ताकत है। और इसमें मेरे को जो मेन प्रॉब्लम लगी वो मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, साइलेंसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। थोड़ी सी दूरी पर चलने के बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा साइलेंसर बंद हो जा रहा है। और मेरे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी थी कि मुझे इसकी साउंड सुननी है, तो मैं इसकी साउंड भी आपको सुनाऊँगा। और ये पावर साइकिल दिस इज़ ऑसम यार, दिस इज़ अपग्रेडेड। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली इसकी साउंड बहुत अपग्रेडेड है, बिल्कुल थिन साउंड है और बहुत ही अच्छी है, सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ऐसे ही दुगाटी मॉन्स्टर में जो आपकी साउंड है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसा लगता है बहुत सारा हाई भी हो, तो मतलब ये अपग्रेडेड नहीं है, ये वाली ज़्यादा अपग्रेडेड है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है गाइस, दिस इज ऑसम बाइक। अगर जो मैं इन दोनों में से कोई एक बाइक लेना चाहूँगा तो वो कावासाकी होगी। और अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने वाला हूँ, माइक निकालता हूँ सबसे पहले। स्टैंड अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, यहाँ पे कैसे गूंजती है। दिस इज नॉट स्टार्टिंग, आई डोंट थिंक, काफ़ी हैवी बाइक है यार ये, तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। क्यों नखरे दिखा रही यार, हो जाना स्टार्ट। ओके सो गाइस, अब धक्का मार के स्टार्ट हुई है ये गाड़ी, देख। यहाँ पे कोका कोला पीने के लिए ऐसे गिलास में आप आइस भी ले सकते हो साथ में, बड़ा बढ़िया ऐसा मैंने रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो भाई लोग अभी हम बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे एक बस स्टैंड है, यहाँ से मैंने बैंकॉक का टिकट ले लिया है और उसके बाद हम बैंकॉक से दूसरे स्टेशन पे जाएंगे बस स्टॉप पे, जहाँ से हम दूसरा टिकट लेंगे। अच्छी अभी दिखाता हूँ, ये हमने 131 बात का यहाँ से टिकट ले लिया है एक एमआई का, और भाई भी अभी आने वाला है। अलग अलग हम स्कूटी पर आए हैं, हमारी 12:30 बजे यहाँ से बस है बैंकॉक के लिए, और आपको इस तरह से लाइन में लग के यहाँ से टिकट लेना होगा। लोगों यहाँ देखो यार, वेटिंग कितनी चल रही है, ये देखो ऊपर फैन कितना बड़ा है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इतना बड़ा फैन, यार पूरा कवर कर रखा है एरिया। और यहाँ तो उतर रहे हैं लोग और दूसरी जगह से आगे एंजल्स भी काफ़ी सारे हैं।
सो गाइस, अभी मैं बैंकॉक से मोची बस स्टेशन पे उतरा और वहाँ पे पता लगा जाके कि हमारी बस के टिकट से फुल हो चुके हैं। सो अभी सॉय तॉय मॉय करके यहाँ पे एक और बस स्टेशन है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ फुकेत की बस लेने के लिए। सो अब देखते हैं वहाँ पे भी बस मिलती है या नहीं मिलती, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारी फ़्लाइट है 2-3 दिन बाद और ये सफ़र भी बहुत लंबा होगा, 800 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है यहाँ से फुकेत, और लग्जरी बस से जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा अभी जाके देखते हैं। सोएता मॉय में हमें मिलती है या नहीं मिलती बस, अभी मैं जाके दिखाता हूँ, अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। यहाँ पे बिल्कुल लग्जरी बस मिलती है बैंकॉक से लेके फुकेत तक की, फुली लग्जरी, इन पूरे एशिया में सबसे बेस्ट बस मिलती है यहाँ पे। तो भाई टिकट ढूंढने के लिए बड़ा ये तीसरे फ्लोर पे इन्होंने भेज दिया टर्मिनल पे, अभी मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ कि टिकट कहाँ से मिलेंगे। सो ये है टिकट बोर्ड काउंटर, अभी मैं यहीं जा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपको सोएता मॉय पे फुकेत के टिकट ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे मुझे अभी अभी बस मिल चुकी है जिसमें कि इन्होंने चार्ज करा है फुकेत तक का 850 थाईबाट, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स होता है 2000 से 2200 रुपये के आसपास, और लगभग डिस्टेंस हमारा 800 से 850 किलोमीटर है। अभी देखते हैं कि हमारी बस कैसी है, और अभी इन्होंने बताया है प्लेटफॉर्म नंबर 20 पे हमारी बस आएगी, और पूरा मॉल की तरह बना रखा भाई, ये देखो कितना क्लियर मॉल की तरह बना रखा पूरा टर्मिनल। सो गाइस, फाइनली टिकट मिल चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपने बस स्टेशन की तरफ, हमें 5 बजे का टिकट मिला है, और ये सुबह मॉर्निंग 5 बजे पहुँचाएगा हमें अप्रॉक्स 5 से 6 बजे के आसपास। सो अभी हमने होटल भी वहाँ का कुछ बुक नहीं करा है, अभी हम हैंड टू हैंड करेंगे सब कुछ जो भी हमारे पास पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सो देखते हैं यार अभी आगे क्या होगा, हमारी बस कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ पूरी बस। 7-11 ओके, तो मैं अभी आपको पूरी बस दिखाता हूँ यार, पूरी लग्जरी बस है वो, और उसमें हमारा फूड वगैरह सब फ्री है, हालांकि उसमें थाई फूड ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, इंडियन फूड या फिर कुछ वेजिटेरियन फूड तो होगा नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे को खुद नहीं पता है, एक्सपेक्टेशन तो यही है, अब देखते हैं रियलिटी यहाँ पर क्या रहती है। बैंकॉक के स्टेशन पे खड़ा हूँ और अब भी पता लग रहा है कि यहाँ पे भी बस लेट होती है, यहाँ पे 20 मिनट मेरी बस जो है वो लेट है अभी, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी बस कब आएगी और मैं कब जाऊँगा यहाँ से। तो मेरी बस फुकेत के लिए है और अभी मैं मॉर्निंग में पहुँचाएगी। सो गाइस, हमारी बस आ चुकी है, ये हमारी बस है, देखने से तो काफ़ी लग्जरी लग रही है, अभी पता नहीं अंदर से होगी भी नहीं होगी। सो ये स्कानिया कंपनी की बस है, मर्सिडीज़ की नहीं है, तो ये उससे भी ज़्यादा बेटर लग रही है, लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। सो ये गाइस बस है हमारी डबल डेकर, पहली बार मैं ऊपर जाके डबल डेकर में बैठूँगा। ओके, यहाँ पे सीट नंबर नहीं है, यहाँ पे आके बैठ गए। सीट इधर बैठे, ये वो बस इसमें ना आना था, और इसमें हमें एक मास्क मिला है, बड़ा कंफर्टेबल है। अभी रात के 12 बजे हैं और ये बस यहाँ पे रुकी है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, ऑलमोस्ट हाई फूड है, हमें उठते ही एक कूपन भी मिला है, आईलैंड ऐसे हमारे इंडिया में भी हो जाता तो कितना बढ़िया रहेगा। दिखा रहा भाई लोग, यहाँ पे सारा सी फूड है, हमारे खाने लायक कुछ भी नहीं है,
लोग खा तो रहे हैं, मैंने भी राउंड मारा है। सो ऑलमोस्ट सब कुछ नॉन वेज ही है यहाँ पे, वेज कुछ भी नहीं है। सो हमें अपना खुद ही परचेज करके खाना पड़ेगा आगे से फ्रंट से। तो वही एक बार फिर नॉनवेज खाने वालों की जीत हो गई। रात के 12 बजे और वाटरमेलन खा रहे हैं यहाँ पे, और ऑरेंज जूस भी लिया। पीछे जो दिख रहा है पूरा बैकग्राउंड में सारा नॉनवेज ही मिल रहा है हमें, जो भी फ्री मिल रहा है। तो हमने खुद ही खरीदा अपना और खुद ही खा रहे हैं यहाँ पे। मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेरियन ऑप्शन भी होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सारा नॉन वेज ही नहीं होना चाहिए पूरी तरह से।